दोस्तों, हरीश शेट्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर का नमस्कार। आइए आसानी से समझने की कोशिश करें। आज का हमारा टॉपिक होगा इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन इंडियन इकोनॉमी। बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, आजकल कोई भी टीवी न्यूज चैनल देख लो, वहां पे टॉपिक चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बारे में, वेदर इट वॉज सुसाइड, वेदर इट वॉज मर्डर, वहां पे ड्रग्स केस का भी एंगल आ रहा है और साथ साथ में कंगना रावत का भी इश्यूज चल रहे हैं। डेफिनेटली आई एम ह्यूज फैन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। हम सब चाहते हैं कि उनके डेथ का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और उनको जो भी उनका डेथ का रीजन होगा सबको खुल के सामने आए, उनका और उनका फैमिली मेंबर्स को उसका जस्टिस मिले। बट साथ साथ में दोस्तों, हम यहाँ पे एक चीज भूल रहे हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सबका फोकस सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको जस्टिस मिलना ही चाहिए, बट साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी ध्यान देना है हमें। ड्यू टू कोविड और इंडियन इकोनॉमी और हमारा हालत खराब हुआ है, एंड एज पर द सर्वे और एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, मोर देन 40 लाख यूथ्स हैव लॉस्ट देयर जॉब। अंडरस्टैंड अ ट्रेमेंडस इंपैक्ट इट्स हैविंग ऑन द इकोनॉमी। मोर देन 40 लाख यूथ्स हैव लॉस्ट देयर जॉब एंड मेजरली सेक्टर्स लाइक ट्रैवल, ऑटोमोबाइल, फूड, एंटरटेनमेंट, ये सब जगह में काफी दिक्कतें आई है, जॉब लॉस हो रहे हैं। ओनली इन फ्यू केसेस लाइक हेल्थ केयर, फार्मा, ई कॉमर्स एक्सेट्रा, वहां पे थोड़ा सा जॉब स्टेबिलिटी है, थोड़ा सा डिमांड है। सो द मेन प्रायोरिटी शुड बी टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया का जीडीपी के ग्रोथ के बारे में ध्यान देना होगा, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, बिकॉज ऑफ जॉब लॉस, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, हमारे जो इंडियन यूथ्स है वो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसा नहीं हो कि बच्चे सुसाइड करे फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कोई उनको परेशान नहीं आनी चाहिए। देर शुड नॉट बी एनी डेथ ड्यू टू द इंडियन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। सो दैट इज वाई द फर्स्ट प्रायोरिटी और द मेजर प्रायोरिटी शुड बी रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी, क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर द यंगर पीपल सो दैट दे आर स्टेबल इन देयर लाइफ। एंड दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सुशांत सिंह को जस्टिस मिलना ही चाहिए, बट उसके अलावा हमारा फोकस इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी होना चाहिए। एंड आई विल से फॉर द यंगस्टर स्पेशली, एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू स्पेंड लेस, सेव मोर, एंड ट्राई टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू गॉट सम कंटिन्यूटी ऑफ इनकम। डोंट डिपेंड ऑन ए सिंगल जॉब, डिपेंड ऑन एटलीस्ट टू टाइप्स ऑफ इनकम्स। एंड दोस्तों, माई कंसर्न इज इंडियन इकोनॉमी को समम वी हैव टू रिवाइव, अदरवाइज इसको काफी टाइम निकल जाएगा रिवाइव होने में और काफी दिक्कतें बढ़ जाएगी। सो एज फार एज पॉसिबल हमें हमारा यंगस्टर्स के ऊपर ध्यान देके इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहिए, अदरवाइज ड्यू टू दिस क्राइसिस मेनी यंगस्टर्स विल बी ड्रास्टिकली अफेक्टेड। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द अथॉरिटीज इज जितना हो सके इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करे, हमारे यंगस्टर्स को सपोर्ट करे। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा, प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, जी हाँ, घंटी बजाना मत भूलिए। थैंक यू।